आज मैं बास्केटबॉल क्लासेस के लिए भी जाऊंगा, बहुत एक्साइटेड। एडिटिंग कर रहा था क्योंकि वो अभी तक बचे हुए हैं। कोई बात नहीं, जल्दी से हम एडिट करके अपलोड भी कर देंगे। फिलहाल आज है मेरे पास मेरी बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल क्लासेस तो पापा ने मेरी चालू करवा दी है, तो अब बास्केटबॉल भी खेलेंगे, थोड़ा अपने को फिट करेंगे। और बास्केटबॉल मेरे हाथ में 2 साल बाद है क्योंकि मैं बहुत पहले खेलता था, अब तो खेलना ही बंद हो गया था। तो आज मैं बास्केटबॉल क्लासेस के लिए भी जाऊँगा, बहुत एक्साइटेड हूँ। तो एक बार मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। तो गाइज मैं तैयार होकर आ चुका हूँ, अब मैं जाऊँगा बास्केटबॉल क्लासेस, तो मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। गाइज अभी टाइम हो रहा है 5 o'clock और आज है 21st July, और हमेशा की तरह आज भी मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाया। कल से मैं अब रेगुलर व्लॉगिंग करना चालू कर दूंगा, रोज ही कर रहा हूँ लेकिन अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अब 15 मिनट में मुझे वापस क्लासेस जाना है, तो ये रही हमारी बास्केटबॉल, तो अब हम क्लासेस भी जाएंगे। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे 7 o'clock या 7:30, जब भी मिलेंगे थोड़ी देर बाद ही मिलेंगे। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:20, ना ही हम 7:30 बजे मिले ना ही 7 बजे, हम सीधा मिल रहे हैं 9 o'clock। भैया तो यहाँ पे लेटा हुआ है और टीवी देख रहा है हमेशा की तरह अपना शिनचैन, और ये ऐसे लेटे लेटे बस देखता जा रहा है। फिलहाल मैं अभी कुछ ब्लॉग्स को एडिट करके अपलोड करूँगा, आज सबसे मस्त ब्लॉग अपलोड हो चुका है, लेकिन अभी भी मैं कुछ ब्लॉग्स पीछे हूँ, तो उम्मीद है कि मैं आज में और कल मैं सारे अपलोड कर दूंगा। फिलहाल मम्मा ने अमरस रेडी कर दिया है, तो बहुत एक्साइटेड है इसे पीने के लिए, लेकिन पहले खाना भी खाना होगा। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 11:30, तो आज ब्लॉग्स ज़्यादा एडिट नहीं कर पाया, बस एक एडिट किया और अपलोड कर दिया है। अब कल मैं सारे पेंडिंग ब्लॉग्स अपलोड कर दूंगा, तो मैं मिलता हूँ आपसे कल सुबह। गाइस अभी टाइम हो रहा है 1:40 और आज है थर्सडे, और मैं तो इतने दिनों से ब्लॉग अपलोड ही नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इतने डेज पेंडिंग है ब्लॉग्स के। फिलहाल अभी जो काम है पहले वो पूरा करते हैं। अभी तो मैं छत पे आया हुआ हूँ, आप लोग सोचोगे कि मैं छत पे क्यों आया हुआ हूँ, कपड़े सुखाने आया हूँ। अगर गर्मियों में तुम लोग भी छत पे कपड़े सुखाने आते हो ना, तो यार लाइक मारो इसी बात पे। तो ये महाशय भी हमारे साथ आ गए कपड़े सुखाने, तो एक बार हम अपना काम पूरा कर लेते हैं। अभी टाइम हो रहा है 5:15 और मैंने पिछले ब्लॉग सारे जितने भी 5 days के थे सबको मैं एक साथ मिलाकर अपलोड कर दूंगा। तो अभी एडिटिंग चालू की थी लेकिन मैं ज़्यादा कर नहीं पाया, तो अभी तो मैं एकेडमी जाऊंगा, तो मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद शाम को। अब पता नहीं मैं कितनी बजे मिलूंगी, मैं कल भी बहुत लेट ही मिला था, तो देखते हैं अब मैं कब मिलता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो वैसे अभी टाइम हो रहा है 9:30 और मेरे साथ है हमारी टिया जी, बहुत दिनों बाद ब्लॉग्स में आई है। तो थोड़ी देर पहले मैं एकेडमी से आ गया था और ये तो बहुत ज़्यादा हिल रही है, ये हमारा रयू जी हमारे साथ है। तो वैसे टिया कैमरे में देखते ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ जाती है, वो कर रही है वो का मतलब वो हेलो कर रही है, रयू बोल रहे हैं वो का मतलब वो हेलो कर रही है। तो वैसे अभी टाइम हो रहा है 11 o'clock और मैं बहुत दिनों से अच्छे से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कल से वापस से नॉर्मल ब्लॉगिंग चालू कर दूंगा। मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ नॉर्मल कर दूंगा लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, तो अभी मैं ट्राई करूंगा रात को एडिटिंग करने का और कल भी इस ब्लॉग की एडिटिंग कर लूंगा। तो मैंने रयू को कितनी बार समझाया लेकिन ये मेरी बास्केटबॉल और अपनी स्विमिंग शॉर्ट लेकर बैठ गया है। क्या हुआ? तो ये अभी गुस्सा हो गया है क्योंकि इसको बास्केटबॉल चाहिए। तो अभी फिलहाल हम पी लेते हैं दूध और फिर सोएंगे। तो अभी मैं इस व्लॉग की पे एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा। वैसे तो बहुत ही छोटा था और मैं ज़्यादातर बहुत कम बना पाया हूँ। तो गाइस अभी फिलहाल हम दूध पियेंगे और फिर सोएंगे, तो अब मैं व्लॉग को और कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वैसे तो थोड़ा छोटा था लेकिन कोई बात नहीं, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।